तोड़ने वाला हमको ज्ञान नहीं दे। राहुल गांधी ने ये कहा और अंत तक माफी नहीं मांगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि इंडिया नहीं घमंडिया है। अपने भारत माँ को घमंडिया कहने वाले ऐसा नलायक पुत्र को, ये तो यहाँ का पुत्र नहीं हो सकता, ये तो जर्मनी का जो हिटलर था उसका खानदान का लगता है। हम लोग कहते हैं गरीबी हटाओ, नरेंद्र मोदी कहता है गरीबों को हटाओ। वो तो 5 kg राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, क्या देगा? ये अपने घर से दे रहे हैं, आरएसएस के यहाँ से दे रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, टैक्स ले रहा है, यही गरीब से तब दे रहा है। कौन फकीर है मोदी जी? नरेंद्र मोदी कब जाति बदला 2003 में मालूम नहीं है? ये क्या थे, क्या थे या क्या से क्या हो गए देखते देखते 2003 से लेके 14 में? 56 इंच का सीना है मोदी जी को। कोई 56 नहीं, सब हो जाएगा खत्म। 56 नहीं, खत्म। राहुल जी माफी मांग लेते, उनका संदर्भ था। क्यों राहुल गांधी क्यों माफी मांगते? उनका गलती है, डेमोरलाइज करता है। जो भारत जोड़ने की बात करता है उसे ये नरेंद्र मोदी डेमोरलाइज करेगा। कौन कह रहा था देश के राष्ट्रपति को मंदिर में कौन नहीं घुसने दिया? पिछड़ा जाति से आते थे, अति पिछड़ा थे, एसटी थे, कौन नहीं जाने दिया? ये हिंदू का बात करता है, सबसे बड़ा हिंदू विरोधी है नरेंद्र मोदी। ललन बाबू को जबरन दबाने का कोशिश कर रहा था। ललन सिंह ने कहा क्या 90 के पहले के बिहार नहीं है नरेंद्र मोदी। अग्निवीर के तीर में झोंक दिया, कोई ब्याह करेगा अग्निवीर से? क्या बात कर। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर हुए सजा पर स्टे लगा दिया है। राहुल गांधी की सदस्यता फिर से वापस हो सकती है, वो लोकसभा में जाएंगे। और कल ललन सिंह ने धो दिया है अच्छे से अमित शाह को, तो दोनों प्रश्नों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ छोटा लालू जी है, कृष्णा यादव हैं और छोटा लालू के नाम से विख्यात है। सर सबसे पहली क्या प्रतिक्रिया है लालू यादव को जिस प्रकार से उनके सजा पर स्टे लगा सुप्रीम कोर्ट ने? सबसे पहले राहुल गांधी जी को और माननीय न्यायालय को हम प्रणाम और धन्यवाद करते हैं और राहुल जी को बधाई देते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता नरेंद्र मोदी। इसलिए भारत जोड़ने की बात हम लोग करते और नरेंद्र मोदी एनडीए वाला जो गमछा लगा के मुखौटा लगा के घूम रहा है, एनडीए वर्सेस इंडिया भारत का लड़ाई है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि इंडिया नहीं घमंडिया है। अपने भारत माँ को घमंडिया कहने वाले ऐसा नलायक पुत्र को, ये तो यहाँ का पुत्र नहीं हो सकता, ये तो जर्मनी का जो हिटलर था उसका खानदान का लगता है। जब इस तरह से भारत को घमंडिया कहता है, इंडिया को घमंडिया कहता है, तो हमको नहीं लगता ये भारत माँ का संतान है। राहुल जी माफी मांग लेते, उनका संदर्भ था। क्यों राहुल गांधी क्यों माफी मांगते? उनका गलती है, डेमोरलाइज करता है। जो भारत जोड़ने की बात करता है उसे ये नरेंद्र मोदी डेमोरलाइज करेगा। भारत तोड़ने वाला हमको ज्ञान नहीं दे। राहुल गांधी ने ये कहा और अंत तक माफी नहीं मांगा। एक सवाल है ललन सिंह का, कल आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे जिस प्रकार से वो अमित शाह पर भारी पड़ रहे थे, तो आप लोग गुंडागर्दी पे उतर आए भाजपा वाले कह रहे हैं? क्या है 300 से ज्यादा MP लोकसभा का, सुनो देशवासियों, 300 से ज्यादा MP भाजपा के एनडीए वाला गठबंधन के, एनडीए का क्या अर्थ है मालूम है नहीं लोग का। 300 से ज्यादा MP था उसमें, ललन बाबू को जबरन दबाने का कोशिश कर रहा था। ललन सिंह ने कहा क्या 90 के पहले के बिहार नहीं है नरेंद्र मोदी, समांतवादियों 90 के बाद के बिहार है। कब बैठो, हम लोगों ने सारे MP लोगों ने उनको मदद किया जो विपक्ष में थे, कहा कि बोलिए आप खुल के। अमित शाह चाह रहे थे ललन सिंह को बैठा देने के लिए, बोले नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जब विपक्ष एकजुट हो गई तो ललन बाबू ने गरजा और कहा कि बैठो, अंत महंत लंठ लोग है बाबा, बैठो। आप लोग पे आरोप है कि गरीब का बेटा फकीर आदमी देश का PM बन गया है, तो आप लोग जो सोने के चम्मच से पैदा। कौन फकीर है मोदी जी? नरेंद्र मोदी कब जाति बदला 2003 में मालूम नहीं है?
क्या थे, क्या थे या क्या से क्या हो गए देखते देखते 2003 से लेकर 14 में हम लोग नहीं जानते हैं क्या थे। बडोदरा नगर जो है गुजरात स्टेशन पे है, करते थे हम चाय बनाते थे, हम जाते थे बेचने के लिए। हमारे साहब कभी बोले हैं कि हम चाय बनाते थे, हम तो दूध नहीं देते तो तू चाय कहाँ से बनाता भाई है, हम दूध नहीं देते तो तुम चाय कहाँ से बनाते। लालू यादव तो ऐसा नहीं बोले कि हम भी बेचे हैं। विदेश जाते हैं मोदी जी, डंका बजता है देश का। कौन बजाता है? हमारा हिंदुस्तान के लोग, भारत के वही इंडिया वाला वही लोग बनाता, यही हम बोलते। इंडिया के लोग उनके लिए डंका बजाते, ना कि विदेशी बजाता है। चाइना पाकिस्तान थर थर करता है साहब। अरे 2 किलोमीटर तो अंदर 3 किलोमीटर घुसल है चाइना, इन लोग का हिम्मत है। 56 इंच का सीना है मोदी जी को। कोई 56 नहीं, सब हो जाएगा खत्म खत्म, 56 नहीं खत्म। कहिएगा कैसे कैसे? सारा जो हम लोग का महागठबंधन जो तैयार हो रहा है, 25 को फिर महाराष्ट्र में बैठक है महागठबंधन। इंडिया के लोग को भ्रष्टाचारी परिवारवादियों का ठगबंधन हो रहा है इंडिया के नाम पे। महाराष्ट्र में अभी देखे है ना कितना हजार का घोटाला हुआ, 9000 करोड़ का, जो ललन सिंह बोल रहे थे कि भाजपा रूपी वॉशिंग मशीन में थर 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 धोआ के साफ हो गया। इसी पर तो बोला मोटा भाई, चुप हो गया संसद में। तो ये हमको नहीं बताए, ईमानदार है उनके साथ लोग जाएंगे, संगत से गुनाता है, संगत से गुन जाता है तो भी ईमानदार हो जाते हैं। कौन ईमानदार है जिस पर पैक्सो एक्ट लगता है और उसको गिरफ्तारी नहीं होता है? कौन ईमानदार है मोदी जो 9000 करोड़ गफलत में डाल के और उसको भाजपा रूपी वॉशिंग मशीन में साफ करके और सुबह में आता है तो क्लीन आता है, क्या है तो क्लीन चिट है। वही लालू यादव, अकालियत पिछड़ा दलित का आवाज जब उठाता है, ओबीसी का आवाज उठाता है तो कहता है लालू यादव को पकड़ो, जेल में बंद करो। यही तो आरोप है ना, मोदी जी हिंदू हिंदू करके हिंदुओं को एक कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप लोग जातीय जनगणना करवा के आप विभेद पैदा करना चाह रहे हैं हिंदुओं में। बात सुनिए, हिंदू कौन है, हिंदू कौन नहीं है बताइए, कौन है हिंदू? सब हिंदू कहते हैं सब हिंदू। आई हमारा पासवान भाई को ले जाइए, राम जो राम भाई को ले जाइए, और वो जो है वो मंदिर में जाएंगे तो यही नरेंद्र मोदी या भाजपा NDA वाला कहता है। और गुलबरकर सावरकर के किताब में लिखा हुआ है, वैसे पिछड़ा जाति के लोग जो मंदिर में जाते हैं तो सामंतवादियों को लाठी लगा चहेड़ देना चाहिए। जीतन राम मांझी को कौन चहेटा था? आज कहाँ है जीतन मांझी? कौन चहेटा था देश के राष्ट्रपति को? मंदिर में कौन नहीं घुसने दिया? पिछड़ा जाति से आते थे, अति पिछड़ा थे, ST ST थे, कौन नहीं जाने दिया? ये हिंदू का बात करता है, सबसे बड़ा हिंदू विरोधी है नरेंद्र मोदी। हिंदू धर्म में चार वर्ण व्यवस्था है सर, खुद को हिंदू कहेंगे तो आपको चार वर्ण की जो सच्चाई है मानना पड़ेगा। अब सेवा कीजिए, आप चाहते पुजारी बन जाए? नहीं, तिजोरी का चाबी। लालू यादव ने यही तो कहा कि गाय चलाने वालों, ठेला चलाने वालों, सुगर चलाने वालों, घोंघा छुतवा चुनने वालों पर ना लिखना सीखो। जब पढ़ लिया तो अब इसको फोड़े कैसे, इस सब तो विद्वान हो गया, मेन मुख्य धारा में सब जुटने लगा। तेलो को अब हिंदू में लड़वाओ कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम फलाना नहीं हो, आपस में लड़वा दो, बस फूट जाएगा, नरेंद्र मोदी जीत जाए। ये नीति है। जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा सर? जो अगरी जाति के लोग हैं कहते हैं इससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। कोई सामाजिक नहीं, जातीय जनगणना होगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगा, जिस आधार पर होगा उसको उतना हक मिलेगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बाबू लालू प्रसाद ने कहा है जितना संख्या, हम 5 भाई हैं, दो भाई रहेगा और वो खाएगा, 3 को ललाएगा, जिसकी संख्या जितना होगा वो खाएगा उसको उतना अधिकार मिलेगा। इसे गरीबी खत्म थोड़ी हो जाएगा सर? हाँ खत्म, सबको हक मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा तो अपने आप नरेंद्र मोदी हार जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगा। हम लोग कहते हैं गरीबी हटाओ, नरेंद्र मोदी कहता है गरीबों को हटाओ।
वो तो 5 kg राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, घर से दे रहे हैं, RSS के यहाँ से दे रहे हैं, 2 crore रोजगार दे रहे हैं, टैक्स ले रहा है यही गरीब से तब दे रहा है 2 crore रोजगार। वो कोई रोजगार नहीं, कहाँ रोजगार, कोई अग्निवीर, अग्निवीर के तीर में झोंक दिया, कोई ब्याह करेगा अग्निवीर से, क्या बात करते हैं। चलिए, कृष्णा यादव जी है, छोटे लालू के नाम से मशहूर है, जातीय जनगणना बिहार में हो रही है, उसे कुछ लोगों को तकलीफ है, वही जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको लगता है, ऐसा लगता है कि उनको हक अधिकार मिल सकती है यदि सरकार की मंशा सही हो, क्योंकि जाति के आधार पर ऐतिहासिक तौर पर कुछ लोगों को दूर रखा गया, सिस्टम से, मंदिर से, संपत्ति से, शिक्षा से दूर रखा गया, उसका दंश वो आज झेल रहे हैं, तो उनकी गिनती करके सर्वे कराया जाए और उनके हिस्से की भागीदारी उनको दिया जाए। ये कृष्णा जी का कहना था। पूरी पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।